रेकडिक केस में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला। रेकडिक केस में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने पीआईए के मुंजमद असासे बहाल कर दिए, जिस पर रोजबेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस वापस पाकिस्तान को मिल गए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने टीथैन कंपनी की जानिब से पुराने फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त खारिज कर दी और केस में पीआईए के खिलाफ पहले से दिए गए तमाम अहकामात को मंसूख करते हुए पीआईए के असासे मुंजमद करने का हुक्म मंसूख कर दिया। अदालत ने टीथैन कॉपर कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर होने वाले अखराजात भी अदा करने का हुक्म दिया। ताहम टीथैन कंपनी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकेगी। फैसले पर वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने ट्वीट में मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और रेकडिक केस में पीआईए के खिलाफ तमाम फैसले वापस हो गए हैं, जबकि टीसीसी कानूनी चाराजोई के अखराजात भी अदा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।